गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 17.8 करेंगे और 17.8 के अंदर आ जाएगा बहुलक का अंक। क्या आएगा? बहुलक। इससे पहले हमने समांतर माध्य और माध्यक ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से बहुलक ज्ञात करेंगे। और बहुलक कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये देखना है, यानी जब किसी श्रेणी में किसी अंक की बारंबारता सबसे अधिक बार आती है तो वही अंक उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। देखो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद हम दूसरा नंबर एक करेंगे। देखो जैसे कोई श्रेणी है, एक्स का मान दे दिया और एफ का मान दे दिया, ये मानो 1, 2, 3, 4, 5। यानी जब किसी श्रेणी में किसी अंक की बारंबारता, यानी एफ होता है तो क्या होता है, बारंबारता ही होती है, जैसे 3, 4, 7, 5, 6, जिस अंक की बारंबारता सबसे बड़ी है या सबसे अधिक है, और किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इस श्रेणी का बहुलक क्या कहलाएगा? 3। तो इसी प्रकार देखो हम क्वेश्चन नंबर एक करेंगे, यानी हमें क्या दिए गए, अंक दिए गए हैं और उनकी बारंबारता हम निकाल लेंगे, यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए सारे बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सारणी, यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। और सारणी बनाएंगे तो हमें क्या दिए गए, एक तो संख्याएं दी गई है यानी संख्या, और उसके हम क्या बना लेंगे, बारंबारता। अब संख्या सबसे छोटी संख्या एक है, और एक कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। अब दो कितनी बार आ रहा है, जो कर ले उसके ऊपर गोला लगा के जो, दो भी एक बार आ रहा है। अब तीन कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। अब चार कितनी बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, चार है नहीं हमारे पास। पांच कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। और अब सात है, सात कितनी बार, एक बार और दो बार। और अब आठ है, और आठ कितनी बार आ रहा है, एक बार। यानी हमने क्या बना दी, एक सारणी बना दी। और अब किस अंक की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी पांच की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी अंक पांच की बारंबारता सबसे बड़ी है ना। देखो पांच की बारंबारता सबसे बड़ी, यानी पांच चार बार आ रहा है, अतः बहुलक बराबर कितना हो गया, पांच। यानी बहुलक कितना हो गया, बड़ा पांच हो गया ना। इसी प्रकार एक और दिया गया, इसी के अंदर यानी क्वेश्चन नंबर टेस्ट में सेकंड है, और एक थर्ड भी दिया गया है, और सेकंड है 2, 4, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 7, 8। अब देखो आप सारणी भी बना सकते हो बहुलक ज्ञात करने के लिए, सामने संख्या लिखोगे, दो कितनी बार आ रहा है, दो बार, फिर चार कितनी बार आ रहा है, एक बार, छह कितनी बार आ रहा है, तीन बार, सात एक बार, आठ, यानी सबसे अधिक बारंबारता किसकी होगी, छह की होगी ना, तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा, छह। निकाल सकते हो ना, आसान ही है। अब क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, और क्वेश्चन नंबर दो हमारा है, निम्न बारंबारता बंटन बहुलक ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें सारणी बना के दे दिया, मैंने इन एक्स का मान दे दिया और एफ का मान दे दिया। अब की बार हमें सारणी बना के दे दी, इन एक्स का मान तो हमें क्या क्या दे दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और 2, 4, 6, 2, 4, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 1। यानी ये तो क्या हमारी अक्ष का मान है, ये हमारी उसकी क्या है, बारंबारता। तो किस अंक की बारंबारता सबसे बड़ी है,
यानी अंक पांच की बारंबारता सबसे बड़ी, यानी पांच छह बार आ रहा है, यानी हम क्या लिखते हैं अंक या संख्या, यानी अंक या संख्या, यानी पांच की, अंक पांच की बारंबारता सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी है, अतः बंगलक बराबर कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आसान सा था, कोई ज्यादा आगे है, सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी है वही क्या होगा, बंगलक होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर है दूसरा, यानी हमें x और f का मान दिया गया है इसमें भी, यानी x का और f का, x का मान हमें दिया गया है 1.6 तक, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, 1.6 तक दिया गया है, और ये दिया गया 20, 50, 80, 60, 15 और 8। तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, यानी अंक 1.3 की बारंबारता सबसे बड़ी है, क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है 1.3, 80 बार आ रहा है, यानी संख्या 1.3 की बारंबारता सबसे बड़ी है, अतः बहुलक हमारा क्या होगा 1.3। अब करते क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी वैसा का वैसा ही है सेम जो पीछे क्वेश्चन किया ना हमने, इन्होंने सारणी दी हुई है, ऊपर तो दिया गया है सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या, और उसके नीचे दिया गया है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, यानी सदस्यों की संख्या और उनके परिवारों की संख्या, और सदस्य की संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इनमें ये सदस्यों की संख्या दी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, और उनमें परिवारों की संख्या दी है 1, 2, 4, 6, 10, 3, 5, यानी सबसे अधिक सदस्य संख्या 6, जिसमें सबसे अधिक परिवारों की संख्या कितनी है 10, या बोल सकते हो आप संख्या 6 की बारंबारता सबसे बड़ी है, तो संख्या 6 की बारंबारता सबसे बड़ी है तो बहुलक क्या होगा 6 होगा। यदि आप ऐसा लिखना चाहो कि सबसे मतलब सदस्यों की संख्या 6 जिसमें सबसे अधिक परिवार आते हैं ना कितने 10, अतः बहुलक क्या होगा 10 होगा, यानी सदस्य संख्या 6 के परिवारों की संख्या सबसे अधिक है 10 है, अतः बहुलक क्या होगा 10। कैसे भी लिख सकते हो आप, संख्या बना के लिख सकते हो कि अंक या संख्या, संख्या 6 की बारंबारता सबसे बड़ी है अतः बहुलक क्या होगा 10। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में, यानी एक कक्षा दी गई है उसके 20 छात्र दिए गए हैं और उनकी उम्र है ना आयु वो वर्षों के अंदर है, तो उनका बहुलक ज्ञात कीजिए 14, 13, 14, 13, 16, 15, 12, 14, 16, 15, 12, 14, 13, 14, 15, 14, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13,
इसके बाद है 13, 16, 15 यानी ये हमें कुछ अंक दिए गए हैं, तो इनके हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाएंगे तो देखो सारणी क्या क्या बताया है, आयु यानी उम्र दी गई है, ये तो वर्षों के अंदर है, और इनके हम क्या बता देंगे बारंबारता, बता सकते हैं बारंबारता, यानी सबसे छोटा अंक देख लो कौन सा 13, यानी 13 कितनी बार आ रहा, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और छह बार, यानी 13 कितनी बार आ रहा है 6 बार। अब देखो 14 क्या है, ये देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7 बार, 14, 7 बार आ रहा है। अब 15 देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार, 12 भी है, ऐसे 12 भी है, तो 12 ऊपर लगा देना, ठीक है ना, यानी 12 कितनी बार आ रहा था, एक ही आ रहा था ना, तो 12 था एक बार। उसके बाद 16 कितनी बार है, एक बार और दो बार, यानी सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 14 की ना, यानी सबसे अधिक बारंबारता 14 की है, अतः 14 वर्ष क्या होगा बहुलक, यानी बहुलक क्या होगा इसका 14 वर्ष, क्योंकि 12 तो एक बार आ रहा है, 13 6 बार आ रहा है, और 14 कितनी बार आ रहा है 7 बार, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 14 की है ना, सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है 14 की है, अतः बहुलक क्या होगा इसका 14 होगा। जब हमें आंकड़े दिए गए तो हमने बता दिया बहुलक, सारणी बनेगी उससे भी, जब हमें अक्ष और बारंबारता दी गई उससे भी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर है 5, कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं और प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी हमें कुछ एक प्राप्तांक दिए गए जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना सेम का सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी प्राप्तांक दिए गए हैं आप बता सकते हो आसानी से, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, नहीं विद्यार्थियों की क्योंकि संख्या प्राप्तांक कितने 10, 20, 30, 10 से 80 तक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 2, 8, 16, 2, 8, 16, 2, 8, 16, 26, 20, 16, 26, 20, 16, 26, 20, 16 और 7, 4, 7 और 4। ये हमें क्या दिए गए हैं, एक साथ मतलब क्वेश्चन दिया गया, इसके अंदर हमें क्या बताना है बहुलक, तो सारणी है, और सारणी से हमें पता चल गया मतलब सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यानी सबसे अधिक बारंबारता 40 की है, यानी 40, 26 बार आ रहा है, तो सारणी से हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी बारंबारता 40 की है, और इस सारणी का बहुलक क्या होगा 40, यानी बहुलक क्या हो जाएगा 40। इतनी पता लग जाना चाहिए, बहुलक तो बहुत आसान है, एकदम आसान है। अब देखो अब आएगा सूत्र, क्योंकि हमने पीछे भी समांतर माध्य ज्ञात किया, सूत्र से किया, माध्य ज्ञात किया तो भी सूत्र से किया, अब बहुलक और बहुलक के लिए भी एक सूत्र होगा, तो देखो सबसे पहले सूत्र के बारे में देखेंगे बहुलक, और सूत्र कब लगेगा, सूत्र जब लगेगा जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया, क्या दिया गया हो, वर्ग अंतराल दिया गया, तो बहुलक बराबर एन, देखो माध्यक में भी एल आ रहा था, और एल क्या होता है निम्न पद प्लस कोष्टक, वहां भी प्लस आ रहा था और कोष्टक आ रहा था, यहां पे एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ जीरो और गुणा में एच, यानी एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ टू माइनस और एफ जीरो, ये एफ जीरो है
ये F2 है, ये F1 है, ये F1 है, ये F0 है, ये L से ये L है। अब देखो आप लिख लो L बराबर तो क्या है, L बराबर है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। जो हमें वर्ग देगा ना उस वर्ग की क्या है, न्यूनतम सीमा ना, इन वर्ग की निम्न सीमा, यानी वर्ग की क्या हो गई, निम्न सीमा हो गई, सी बटे छोटा बड़ा छोटा लिख दिया, यानी वर्ग की निम्न सीमा। अब एफ वन, एफ जीरो, एफ टू और एच, एच क्या होता है आपको पता ही है, वर्ग अंतराल, क्या होता है वर्ग अंतराल। अब देखो एफ, एफ आपको पता है क्या होती है, बारंबारता होती है, क्या होती है बारंबारता, और सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो होगी हमारा एफ वन। एफ वन क्या होगी, जो हमारे वर्ग की बारंबारता हम ज्ञात करेंगे वही तो सबसे बड़ी होगी, यानी वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। एफ जीरो बारंबारता से पहले का पद, जिस प्रकार हम माध्यक में सी याद कर रहे थे ना, यानी बारंबारता से पूर्व का पद हम सी याद कर रहे थे, तो उसी प्रकार ये एफ जीरो है, यानी बारंबारता का पूर्व पद या पिछला पद, ठीक है ना, बारंबारता का पूर्व पद। और एफ टू क्या होगा, बारंबारता के ठीक बाद का पद, बारंबारता के बाद का पद। देखो मैं छोटा सा आपको यहां पर एग्जाम्पल देकर बता देता हूं, देखो जैसे यहां तक क्या वर्ग अंतराल, जैसे जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, बस इतना ही जाता। अब ये क्या होता है, बार हमारे क्या होते हैं बारंबारता होती है, तीन पांच सात छह और चार। यदि हमें पता कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, यानी सबसे अधिक बारंबारता 20 से लेकर 30 तक वर्ग अंतराल की है, जो सात बार आ रही है, तो देखो L का मान तो कितना आ जाएगा 20, एच का मान कितना आ जाएगा 30 में से 20 जाएगा तो 10, इन दो मान कंप्लीट हो गए। और ये होगा एफ वन, क्या है ये होगा एफ वन, और इससे पिछला क्या होगा एफ जीरो, और इसके बाद क्या होगा एफ टू, यानी एफ जीरो एफ वन एफ टू, जिस जो सबसे अधिक बारंबारता हो तो एफ वन हो गया, इसके पीछे वाला पद एफ जीरो हो जाएगा और उसके आगे वाला एफ टू हो जाएगा। अब क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, यानी आप इस सूत्र को काम में लेंगे, इस सूत्र को काम में लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह, और क्वेश्चन नंबर छह क्या है हमारा, हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, हमें आप सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम सीधा ही देंगे सारणी बनी बनाई देगा अगला, हमें वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता दी गई है, और बाकी सभी में हमें सारणी बनानी पड़ती है, इसमें कोई सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा किसान आया उसमें सारणी बनी बनाई देगा, जहां पे आंकड़े देगा ना वहां पे आपको जरूर छोटी सी सारणी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़े ना हम पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है, इसलिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी वहां पे, तो और जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको सारणी नहीं बनानी पड़ेगी। वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, कहां तक दिया गया है 40 से 45, और उनकी बारंबारता भी दी गई है, और बारंबारता दी गई है 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3, 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3, यानी सबसे अधिक बारंबारता कितनी है
16 और 16 का संयुक्त वर्ग अंतराल कितना है 20 से 25 है ना, यानी हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 16 और 16 का वर्ग अंतराल क्या होता है कितना है, वर्ग अंतराल दिया है 16 का 20 से 25 ना, यानी 20 से 25 तो एल बराबर तो कितना हो गया 20 हो गया, यानी लो पद निम्न सीमा तो क्या हो गई 20 एक्स, एक्स का मान 25 में से 20 जाएगा तो 5 और एफ जीरो एफ वन एफ टू इनका मान तो एकदम आसान है बेटा, ये तो एफ वन हो गया ये एफ जीरो हो गया और ये क्या हो गया एफ टू हो गया, एफ जीरो बराबर लिख दो 7 एफ वन बराबर लिख दो 16 और एफ टू बराबर कितना हो गया 12, यानी हमने इस सारणी से देख लिया, यानी आपको जो सारणी देगा ना उसी से आपको पता चल जाएगा बहुलक तो सबसे आसान है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता देख लेंगे उस बड़ी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल देख लेंगे और संगत वर्ग अंतराल कौन सा है 16 का संगत लिख देना, संगत वर्ग अंतराल 20 से 25 है तो लो पद तो 20 हो गया एच यानी वर्ग अंतराल इसका अंतर कितना हो गया 5 का हो गया और एफ वन एफ टू और एफ जीरो जो सबसे बड़ी बारंबारता उसको तो एफ वन मानेंगे, इससे पहले वाला पूर्व का पद एफ जीरो और ठीक बाद आने वाला एफ टू तो 7, 16 और 12 तो 7, 16 और 12 अब हमें यदि सूत्र का पता है तो हम इसको आसानी से निकाल देंगे, देखो बहुलक बराबर जिस प्रकार माध्यक में एल होता है, अब देखो यहां पे लगाएंगे एफ वन और माइनस एफ जीरो, याद रखना एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन, अब बचा कौन सा एफ टू और एफ जीरो ना, अब दोनों को घटा दो एफ टू और एफ जीरो कोष्टक और भाग क्या एच आता है, आता ना एच इसमें मान रख दो एल, और एक चीज और बताता हूं आपको जिस प्रकार हम माध्यक का उत्तर का पहले पता लगा लेते हैं उसी प्रकार बहुलक के उत्तर का भी हम पता लगा सकते हैं, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 20 और 25 के बीच में ही आएगा, आंसर क्या आएगा 20 और 25 के बीच में आएगा, यदि आंसर 25 से बड़ा और 20 से छोटा तो हमारा आंसर गलत है, हम वही पकड़ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, यदि ऊपर गए तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो देखो एल एल का मान कितना 20 प्लस कोष्टक एफ वन, एफ वन का मान कितना है 16 माइनस एफ जीरो का मान कितना है 7 बटे टू एफ वन, एफ वन का मान कितना है 16 माइनस एफ टू, एफ टू का मान कितना है 12 माइनस एफ जीरो का मान कितना है 7 और गुणा में 5, सोल्व करो ये 20 है प्लस 16 में से 7 जाएगा तो 9 बटे अगर 16 दूनी 32 माइनस 12 और 7 19 होता है ना और गुणा में कितना है 5, सोल्व कर लो 20 प्लस 9, अब देखो 32 12 में से 9 जाएगा तो 3 यहां बचा 2, 2 में से जाएगा तो 1 गुणा में 5, ये कर दिया देखो 20 प्लस 9 में जो 45 ना और 45 में 20 का भाग दे देंगे 13 का, 45 में 13 का भाग दे 13 3 39 ना 15 में से 9 जाएगा तो 6, अब 6 में भाग नहीं जाता तेरा तो 0.0 13 चौका 52 ना कितना बचा 8 0 13 6 के 75 यानी कितना ही निकला 3.4 से 20 प्लस 3.4 और 20 होती 23.4 यानी हमारा जो बहुलक आया वो क्या गया 23.46, याद रखना हमारा बहुलक कितना आया 23.46। अब एक क्वेश्चन आप खुद करके देखना क्वेश्चन नंबर 7 मैं दे रहा हूं इसी प्रकार से, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है,
क्वेश्चन नंबर सात आपको करके दिखाना है। प्राप्तांक दिए गए हमें और प्राप्तांक जीरो से दस, दस से बीस, देखते ही पता लग जाना चाहिए हमें एच का मान। बीस से तीस, क्योंकि शुरुआत में एच का मान तो पता ही लग सकता है। तीस से चालीस, चालीस से पचास और पचास से साठ, और इनकी दी गई है छात्रों की संख्या यानी बारंबारता है। और अब सभी का मान पता लग जाना चाहिए। जैसे देखते जाएंगे तो पांच बारह चौदह, पांच बारह चौदह, दस आठ और छह। मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें एफ वन का मान क्या होगा, एफ जीरो का मान क्या होगा, एफ टू का मान क्या होगा। आपको सूत्र पता है, सिर्फ मैं सूत्र लिख रहा हूं। उस सूत्र के अंदर आपको मान निकालना है और उनको फीड करना है, बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक का मैं सूत्र लिख देता हूं, बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ टू माइनस एफ जीरो को गुणा में एच। ये होता है सूत्र। इस सूत्र के अंदर आप मान रख देना, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा तो मैं चेक कर लूंगा। बस आज के लिए इतना ही।